दोस्तों आखिरकार तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को रिमांड पर लेने में सफल हो ही गई। आखिरकार पटना के स्पेशल कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को रिमांड पर लेने के लिए परमिशन ग्रांट कर ही दिया। दोस्तों सरकारी आंकड़ा ये भी कह रही कि आखिर किसके कहने पर मनीष कश्यप ने फर्जी वीडियो बनाई। दो राज्यों के बीच गलत फहमी पैदा करने के पीछे मनीष कश्यप का क्या था मकसद? आखिर कौन थे वो लोग जो मनीष कश्यप का इन सब कारनामों में साथ दे रहा था? क्या पॉलिटिकल पार्टी थी, क्या कोई बिजनेसमैन था, क्या कोई बड़े लोग थे? आखिर ये सवाल है। अभी ये सभी राज अब खुलने वाले हैं, क्योंकि तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को जहाज से उड़ाकर तमिलनाडु ले गई है। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु पुलिस ने पिछले कुछ दिनों पहले जब मनीष कश्यप बिहार पुलिस की रिमांड पर थी, तो उस टाइम पर तमिलनाडु पुलिस ने पटना के स्पेशल कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि हमें मनीष कश्यप चाहिए। और याचिका दायर करने के पीछे का उन्होंने जो क्लू दिया था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी सुनने लायक है। मतलब जब तमिलनाडु पुलिस ने याचिका दायर किया पटना के स्पेशल कोर्ट में, तो उन्होंने उसमें लिखा कि मनीष कश्यप जितना बिहार का नुकसान किया है उससे कहीं ज़्यादा तमिलनाडु का नुकसान किया है। उन्होंने नुकसान में लिखा कि जब से ये भ्रामक खबर फैला है मनीष कश्यप के द्वारा, तब से बिहारी मजदूर और सभी राज्यों के जो भी मजदूर थे जो तमिलनाडु के नहीं थे, वो सब तमिलनाडु से पलायन कर गए, यानी कि भाग गए तमिलनाडु से, और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और टूरिज्म पर भी काफ़ी खासा असर पड़ा है। करोड़ों का नुकसान हुआ है तमिलनाडु का मनीष कश्यप के कारण, ये तमिलनाडु पुलिस का कहना है। क्योंकि अब जो टूरिस्ट है वो सोचने लगे हैं कि तमिलनाडु के लोग मारते हैं, क्या पता हमें भी मार दे, इस कारण से टूरिस्ट भी नहीं आ रहे हैं अब, इससे करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है। तो ये सब लिखकर बकायदा तमिलनाडु पुलिस ने पटना के स्पेशल कोर्ट में याचिका दायर की थी कि प्लीज़ आप हमें भी मनीष कश्यप को दो, हम भी रिमांड पर लेना चाहते हैं। आखिरकार पटना के स्पेशल कोर्ट ने मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस को देने पर मजबूर हो गई। अब पता नहीं रिमांड पर क्या होगा, क्या कुछ निकलेगा, क्योंकि बिहार में जब मनीष कश्यप रिमांड पर थे तो मनीष कश्यप का भाई मोबाइल अभी तक नहीं मिला है। हालांकि मनीष कश्यप का मोबाइल ट्रेस करने का पूरा कोशिश किया जा रहा था, लेकिन भाई मोबाइल अभी तक नहीं मिला। क्योंकि भाई जब भी गलत काम होते हैं किसी के द्वारा, तो भाई उसमें मोबाइल का अहम योगदान होता है आजकल के दौर में। तो भैया मनीष कश्यप का मोबाइल नहीं मिला है, अगर उनका मोबाइल मिलता तो भैया जो भी अपराध थे उनके काफ़ी हद तक खुलासे हो जाते, क्योंकि मोबाइल से मालूम चलता कि भाई आखिर कब किसके द्वारा ये वीडियो अपलोड किया गया था, कब ये वीडियो शूट किया गया था, किन किन लोगों से मनीष कश्यप का बात हुआ था। इसमें नेता भी हो सकते हैं बड़े बड़े, इसमें बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े लोग भी हो सकते हैं भाई जो कि मनीष कश्यप का इसमें साथ दे रहे थे, ये सरकार ये आंकड़ा कह रहा है दोस्तों। लेकिन फिलहाल अब मनीष कश्यप तमिलनाडु पुलिस की गिरफ्त में है। और दोस्तों तमिलनाडु पुलिस तो आखिर ट्रांजिट रिमांड पर मनीष कश्यप को ले ही गई, लेकिन जब मनीष कश्यप बिहार में था, जब बिहार पुलिस के रिमांड पर था, तो उस टाइम पर रिमांड पर ख़त्म होने के बाद मनीष कश्यप को बेऊर जेल में डाला गया था। तो बेऊर जेल पटना में है और बेऊर जेल में ही मनीष कश्यप थे, और जब तमिलनाडु पुलिस आई उन्हें रिसीव करने के लिए, तब भाई एयरपोर्ट तक बिहार पुलिस भी गई थी। उस दौरान मनीष कश्यप ने कई सवालों के जवाब दिए, मीडिया भी वहां पहुंची थी, उनके हाथ में भाई हथकड़ी थी, अकर में कोई कमी नहीं था। उन्होंने जाते जाते कहा कि मेरा विश्वास है कि बिहार जरूर बदलेगा और बिहार पुलिस ने मेरे साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया है। बिहार आज नहीं तो कल बदलेगा जरूर, इतना भरोसा है। उन्होंने यह भी कहा, मुझे बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस से भरोसा है, मुझे संविधान पे भरोसा है। सुनिए दोस्तों, और तमिलनाडु पुलिस मेरे साथ कहीं कुछ व्यवहार नहीं किया है, बिहार पुलिस ने भी मेरे साथ कहीं कुछ गलत नहीं किया है। दोस्तों इसके बाद एक पत्रकार महोदय पूछते हैं, क्या आपने फर्जी खबर चलाया? तो उसके बाद मनीष कश्यप ने क्या जवाब दिया आप सुन सकते हैं। क्या आपने फर्जी वीडियो वायरल किया है? गलत बात है, आप मेरा सारा वीडियो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। मैंने बोला है कि बिहार के मजदूरों को दिक्कत होता है और ये सच्चाई आप। दोस्तों अब जब मनीष कश्यप तमिलनाडु पुलिस के रिमांड पर है, तो अब काफी उम्मीद जताई जा रही है कि मनीष कश्यप काफी हद तक राज उगलेंगे जो उन्होंने बिहार पुलिस के सामने नहीं उगला। क्योंकि भाई इसी मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के उत्पीड़न की झूठी खबरें चलाई थी, जिससे दोनों राज्यों के बीच नफरत पैदा हो गया, गलत फहमी पैदा हो गया। ऐसे में तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को हल्के में नहीं लेने वाली है दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो प्लीज़ यार पेज को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा, हमें अंदर से मोटिवेट फील होता है और हम आपके लिए वीडियो ऐसे ऐसे लाते रहेंगे। बाकी दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय हिंदुस्तान।